किसी ने पूछा था, भाई तेरे जीएफ है? मैं कहा हाँ। कितना प्यार करता है तेरे को? मैं बोला बस इतना जानता हूँ वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अच्छा कौन है वो? करीना फ्री फायर। चलो मैं बोलता हूँ। चलो ओके ओके चलो चलो बोलो। सुब्रत ने मेरे को नूब बोला क्योंकि उसके नियत में था खोट। वाह 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 वाह। मतलब अगर अमित भाई नूब है तो अजय भाई बॉट। भाई साहब अरे क्या पबजी 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 करते हो? सारा पबजी प्लेयर का मुंह तोड़ देंगे। अरे तुम हमारा एक प्रो बंदा मार के बता दो, हम फ्री फायर खेलना छोड़ देंगे। हम सिंगल लड़कों का एक ही तो सहारा है, हम सिंगल लड़कों का एक ही तो सहारा है। हमें मोहब्बत से नफरत नहीं है, लेकिन हमें फ्री फायर ही प्यार। अगर किसी का केडी कम होना तो उसे नूब बोलकर हंसो मत। ये हो सकता है कि उसका डिवाइस खराब है, या ये भी हो सकता है कि उसका फैमिली प्रॉब्लम है, या मेरी तरह ये भी हो सकता है कि उसने गर्लफ्रेंड पटा लिया। मैंने जैसे एक वीडियो अपलोड किया, एक पबजी वाले नल्ले ने कमेंट किया, वो बोल रहा है फ्री फायर का बाप पबजी, ओ मागो ट्रू लव। क्या बोला फ्री फायर का बाप पबजी? क्या बोला फ्री फायर का बाप पबजी? अबे नूब का औलाद प्ले स्टोर पे जाके देख ले। मेरी स्क्वाड मारेगा? क्या कहा? मेरी स्क्वाड मारेगा? बेटा मम्मी को बोल कि और थोड़ा दूध पिलाए, क्योंकि उखाड़ तो हमारा घंटा कुछ नहीं पाओगे। तुम कहते हो कि तुम्हारा स्क्वाड बहुत खतरनाक है, कि तुम कहते हो तुम्हारा स्क्वाड बहुत खतरनाक है, कभी फ्री फायर वाले बंदे से मिलके देखो, वो अकेला ही तुम्हारी स्क्वाड का बाप है। गेम पे आए हुए दो दिन भी नहीं हुआ, कस्टम खेलने के लिए चैलेंज करते। बेटा अभी बच्चे हो तुम लोग, इतना बड़ा रिस्क मत लो यार, थोड़ी और क्लासिक में जाके बॉट मार के आओ, फिर डिसाइड करना कि कस्टम खेले या ना खेले। बॉट मारने की ताकत नहीं होती, साले रियल बंदे को मारने के लिए सोचते हैं यार, चिप कांडियो। मैंने जिसे एक वीडियो अपलोड किया, एक पबजी वाले नल्ले ने कमेंट किया, वो बोल रहा है फ्री फायर का ग्राफिक्स अच्छी नहीं है। क्या बोला फ्री फायर का ग्राफिक्स अच्छी नहीं है? अबे नूब का औलाद जरा अपनी मुख संभालो, नहीं तो एकदम बीच में से फाड़ दूंगा। और तुम लोगों के जैसा हम लोग भोगते नहीं, सीधा ठोकते हैं, वो भी AWM से नूब का सांग। गाइस पहले क्या होता था, कोई बंदे के साथ किसी का झगड़ा हो जाए ना तो फिर बोलता था भाई तेरे घर पे आके तेरे को मार के जाएंगे। और अभी क्या होता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो बोलता है तेरा स्क्वाड वर्सेस मेरा स्क्वाड कस्टम होगा क्या? भाई इसे बोलते हैं फ्री फायर लवर। कोई रात भर जाग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाबू गुच्चू मुच्चू कर रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपना ग्रैंड मास्टर की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये मेरी जिंदगी का यार हो गया, और तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन इन बेवफा लड़कियों से पहले मुझे फ्री फायर से प्यार हो गया। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ, क्योंकि मेरी बुराई करने का ठेका तो दुनिया वालों ने ले रखा है ना। अब तो मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो अब जब किसी को देखता हूँ साथ में, कल एक कपल को देखा स्कूटी सिखा रहा था अपनी बंदी को, तो मेरे दिल से क्या आवाज आई, तेरी बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी वो चाहेगी किसी और को, जो राज किसी को ना बताने के लिए बताए थे वो राज बताएगी किसी गैर को, और सिखा रहे हो उसे स्कूटी तो फिर एक बात जान लो, सीखेगी तुमसे मगर बैठा के चलाएगी किसी और को। हम प्यार में बाबू सोना वाली बकवास नहीं बकेंगे, क्या लड़कियों की गुलामी ना हम नहीं कर सकेंगे। अरे मोहतरमा ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि हम तो आज भी आपको वेटिंग में ही रखेंगे। गुड मॉर्निंग। हम तुम्हें भुलाकर किसी और की हो जाए, अपने जैसा समझा है क्या? भाई तुम लोगों ने वो वाला गाना सुना? कौन सा? पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। हाँ भाई सुना है। मैंने फील किया। पल भर में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, चाहने वाले बहुत है ब्रो, जलने वाले मुंह में लो। समझ में आया क्या? बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे? शादी। बेटे मेरा मतलब है क्या बनोगे? दूल्हा। बेटे मेरा मतलब है क्या हासिल करोगे? दुल्हन। अरे मेरे बेटे माँ बाप के लिए क्या लाओगे? बहू। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? पोता और पोती। अबे तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? हम दो हमारे दो। के दिल के टुकड़े रखे थे संभाल कर,
एक टुकड़ा जाने कहाँ खो गया, दिल आज उसकी बात किए बगैर ही सो गया, दिल आज उसकी बात किए बगैर ही सो गया, और खुदा ने मेरे हाथों में मोहब्बत की लकीर ही नहीं बनाई थी, मैंने जिससे भी दिल लगाया वो किसी और का हो गया। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा। तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पागल तो कुछ भी कर सकता है। अब इतना बदलना है कि लोग तरस जाए पहले जैसा देखने के लिए। ना जाने बुरा मैं था या बुरा मेरा नसीब था, कि ना जाने बुरा मैं था या बुरा मेरा नसीब था, हर उस इंसान ने अपनी औकात दिखाई जो मेरे दिल के करीब था। कमीने होंगे दोस्त तुम्हारे मेरे भाई जैसे यार हैं, के कमीने होंगे दोस्त तुम्हारे मेरे भाई जैसे यार हैं, और मेरी बुलाई थोड़ी संभल कर करना उनसे, हमेशा उनके लोड हथियार हैं। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राना। हाँ नहीं कहते राना को जी कहते हैं। आज वो दिन याद आ रहा है जब तुमने पहली बार बात की, काश हम उस दिन मिले ही ना होते तो आज मैं रो नहीं रहा होता। बेटा इतना मत बन, तेरे से ऊपर के बहुत पड़े हैं, जीतने की तो आदत है, मुकाबले हमने भी बहुत लड़े हैं, और सुना है यहाँ राज करने के लिए निकला है ना बेटा, अभी यहाँ हम खड़े हैं। के चलो मान लिया के डॉलर हो तुम, फूटी कोड़ी हैं हम, और पूछती है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, अबे आशिक हैं गुलाम थोड़ी हैं हम। और कैसे हो मेरी जान यार, बहुत याद आ रही थी तुम लोगों की। आई लव यू मेरे बाबू सोना जानू। बाबू सोना जान मान तो जीएफ को बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जान मान बाबू सोना सब मेरे दोस्त ही हैं। गाइस पहले क्या होता था, कोई बंदे के साथ किसी का झगड़ा हो जाए ना तो फिर बोलता था भाई तेरे घर पे आके तेरे को मार के जाएंगे, और अभी क्या होता है किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो बोलता है तेरा स्क्वाड वर्सेस मेरा स्क्वाड कस्टम होगा क्या भाई, इसे बोलते हैं फ्री फायर लवर। अरे भाई तुमको जोरू का गुलाम बोलना है तो बोल लेना, पर मैं तो उसको सर पे बैठा के रखूंगा जो मेरे लिए अपना घर छोड़ के आएगी। लोग दूसरों की वीडियो डाल डाल के फेमस हो, लेकिन हमें तो अपना नाम बनाना है, टाइम तो लगेगा ना। आज मुझे इनबॉक्स में एक लड़की का मैसेज आया, डियर यू आर सो क्यूट। मैंने तुरंत जाकर शीशा देखा, फिर मैंने मुंह धोकर शीशा देखा, उसके बाद मैंने क्रीम लगाकर शीशा देखा, तब मुझे समझ आया कि मैडम रिचार्ज कराने के चक्कर में है। मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ, मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ, और ये शोफ वाले जरा मुझसे दूर रहें, मैं ब्रांडेड चीजें अपनी ब्रांडेड सोच रखता हूँ। तस्वीरों को तेरी नजरों से चूम के हम सोते हैं अक्सर तेरी आईडी पे घूम के। क्या बोला रैम का मैं तो फ्री फायर खेलते, क्या बोला रैम का मैं तो फ्री फायर खेलते, बेटा जिसके पास आईफोन है ना वो भी फ्री फायर खेलता है, और पीसी में भी फ्री फायर खेलते है, ज्यादा मत उड़ रैम रैम बोल कर, तेरा मोबाइल जितना जीबी का है ना उससे कई गुना ज्यादा तो हम डायमंड में टॉप अप करते है। हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है, और मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल है अब, मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल है अब, मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, चाहने वाले बहुत है ब्रो, जलने वाले मुंह में लो समझ में। वक्त खराब देखकर सब तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना, तो भाई सबर कर, एक दिन वक्त आएगा भी तुम्हारा, उस दिन तुम्हें इग्नोर करने वाले तुमसे मिलने को तरसेगा दोबारा, तब उसे बोलना पहली फुर्सत में निकाल। स्टेटस लगाए काफी दिन हो गए, आज सोचा जलने वाले कुत्तों से पूछ ही लूं, तुम अपने बाप को भूल तो नहीं गए? पता है यार मैंने कभी आईफोन यूज नहीं किया, दिला दो। और तुम कभी माँ भी नहीं बनी, बना दूं। भाई साहब खड़े हुई है क्यों, आपको शर्म नहीं आ रही? दीवार लड़की खड़ी हुई है और आप बैठे हुए हो, शादी कर लो, पागल हो क्या? तुझे शर्म नहीं आ रही? दीवार लड़का बैठा हुआ है। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। कि गांव से हूँ गवार मत समझना, कि गांव से हूँ गवार मत समझना, सुंदर नहीं हूँ इतना पर दिल का बेकार मत समझना।
किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते। मैंने मुस्कुरा के कहा शेर शेरों को अच्छे लगते हैं कुत्तों को नहीं। कि चल कोई बात नहीं तू जो मेरे साथ नहीं, कि चल कोई बात नहीं तू जो मेरे साथ नहीं, लेकिन तू मेरी कीमत लगा सके इतनी तो तेरे बाप की भी औकात नहीं। चुप होकर बैठे थे तो ये मत सोचना कि पीछे हट गए। जब शेर ने शिकार करना होता है ना तो दो कदम पीछे आता है। ऐसे ही हमने बहुत सुन ली लोगों की, अब हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। जिसका हम दिल से करते हैं वही हमारे राज खोलता है। हम तो चुप हैं बेटा हमारा काम बोलता है। अकेले रह रह के हमने मेहनत के किस्से जोड़े हैं, और अहंकार मत करना वो तो हमने भी बहुत तोड़े हैं। दिल के साफ है नियत में भी कोई खराबी नहीं, और छोटे हमारी कॉपी हो सकती है बराबरी नहीं। भाभी जी कुछ नहीं बोल रही है, गूंगी है क्या? मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उनकी नहीं हो तो मेरी बन जा, एकदम बिसर में है क्या? ये भाई यही सब के लिए तो लोग बुलाते हैं यार, हमको उससे मतलब नहीं। कि सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी, कि सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। अब सर्दी आ गई है जनाब, अब किसी के गाल फटेंगे तो किसी की, समझ रहे हो? जिंदगी के हर सफर में तेरे साथ रहूंगा, हर बुरे दिन में तेरे पास रहूंगा। अगर कभी तुझसे दूर जाना भी पड़ा मेरे भाई, कि अगर कभी तुझसे दूर जाना भी पड़ा मेरे भाई, तो बनके एक याद तेरे ख्वाब में रहूंगा। और जिसके पास सच्चा यार है ना चंद्रमुखी ना पारो, दो पैक मारो जिंदगी आराम से गुजारो। मुझसे इतना ऊपर उठ के घमंड मत दिखा मेरे दोस्त, तेरी किस्मत बदली है औकात नहीं। तस्वीरों को तेरी नजरों से चूम के हम सोते हैं अक्सर तेरी आईडी पे घूम के।